हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। मेरे पीछे आप रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देख सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम सेल के नाम से जानते हैं। सेल का 92 बैकलॉग पोजीशंस के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोजीशन है, बहुत ही शानदार जॉब प्रोफाइल है। और इस पोजीशन के लिए यहाँ पे एक स्पेशल एक अलग से रिक्रूटमेंट ड्राइव की जा रही है। ये रिक्रूटमेंट ड्राइव SC ST OBC नॉन क्रिमिनलेयर के लिए रहेगी, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोजीशन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितनी वैकेंसी है, कैसे अप्लाई करना है, कितने पैसे लगेंगे अप्लाई करने में, मतलब एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी और कब तक अप्लाई किया जाएगा। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो सेल महारत्न PSU है, बहुत ही शानदार PSU, बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल और बहुत ही अच्छे अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं इसमें। यहां पर मैनेजमेंट ट्रेनी MTT टेक्निकल मैनेजमेंट ट्रेनी की 92 पोस्ट है। अलग अलग ब्रांच की अलग अलग वैकेंसीज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेटलर्जी और माइनिंग, टोटल मिलाकर 92 पोस्ट है। सबसे ज्यादा वैकेंसी है यहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो टोटल 3 ही वैकेंसी है, लेकिन कोई बात नहीं, 3 वैकेंसी तो है। इलेक्ट्रिकल की भी 26 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन की 7 वैकेंसी है, केमिकल की 3 वैकेंसी, 5 मेटलर्जी की और 14 माइनिंग इंजीनियरिंग की वैकेंसी है। अब ये वैकेंसी ST और OBC अलग अलग कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी आप यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज लिमिट की बात करें तो हमारी एज क्या चाहिए यहां पर, 31 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर को आपकी मैक्सिमम एज कितनी चाहिए। SC ST 33 ईयर्स, OBC नॉन क्रिमिनलेयर में 31 ईयर्स और PWD BD पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी 10 ईयर्स और ऊपर एज रिलैक्सेशन उनको मिल जाएगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स की 45 ईयर्स है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट और कैटेगरी, ठीक है। तो दोस्तों ये एज लिमिट 31 दिसंबर 2023, ये जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तब से कैलकुलेट की जाएगी। नेक्स्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन में जो आपकी ब्रांच है, इंजीनियरिंग डिग्री है, उसमें मिनिमम 65% आपको चाहिए और डिग्री चाहिए, डिप्लोमा नहीं अलाउड है, ठीक है। यहां पे डिग्री ही चाहिए होगी, ठीक है। आपकी अलग अलग रेस्पेक्टिव ब्रांच होगी लेकिन 65% मिनिमम एग्रीगेट तो चाहिए। अगर CGPA है तो CGPA का परसेंटेज वाला वर्जन मिनिमम 65% तो होना ही चाहिए। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ने हमारी कुछ और रिलेटेड ब्रांच है, तो वो कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है। मैकेनिकल में मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, थर्मल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड ऑटोमेशन, मैकेट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग, मशीन इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, ये सब मैकेनिकल से फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सब लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से भर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग से डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स भर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप ये नोटिफिकेशन भी ऑफिशियली डाउनलोड करके, इसको आप खुद भी पढ़ना चाहे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्टली काम की बात पे चलते हैं। देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह तो सब आपको पता ही है, सब जगह पे कॉमन ही रहता है। काम की बात, सिलेक्शन कैसे होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन है या एग्जाम के थ्रू। तो दोस्तों आंसर है इसका, एग्जाम होने वाला है। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपियर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब एक ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, ठीक है। कब होगा, टेंटेटिव डेट है भी जनवरी 2024, मान सकते हैं जनवरी के लमसम में हो सकता है, ठीक है। और कहां कहां पे होगा, प्रयागराज, बेंगलुरु, वडोदरा, भिलाई, नागर, भोपाल, भुवनेश्वर, जमशेदपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, और इस तरीके से पूरी लिस्ट है कि इनमें से किसी भी जगह पर यह ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है। आपका किस सेंटर पे आएगा, जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपसे सेंटर की प्रेफरेंस पूछा जाएगा, उस सेंटर की प्रेफरेंस में आप इनमें से जो आपसे नियरेस्ट पड़ता हो वो आप सेंटर्स भर सकते हैं, ठीक है। एक बार सेंटर डालने के बाद वो रिक्वेस्ट चेंज नहीं होगी। अब इस ऑनलाइन एग्जाम की बात करें तो ये ऑनलाइन एग्जाम दो पार्ट में होगा, 200 मार्क्स का है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट होगा डोमेन नॉलेज टेस्ट, ठीक है, ड्यूरेशन 40 मिनट का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। सेकेंड पार्ट कंसिस्ट ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 80 मिनट्स
ऑफ टोटल 100 मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ 4 सेगमेंट्स वाया एप्टीट्यूड इंग्लिश रीजनिंग एंड अवेयरनेस ऑफ 25 मार्क्स ईच। मतलब समझे, इसका मतलब ये जो सेल का एग्जाम होने वाला है, ये सेल का एग्जाम में दो सेक्शन रहेंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 भी 100 मार्क्स का है, सेक्शन 2 भी 100 मार्क्स का है। सेक्शन 1 प्योरली आपकी रेस्पेक्टिव जो ब्रांच है उस ब्रांच के टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। सेक्शन 2 जो रहेगा वो आपके नॉन टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे। कैसे, जो 100 मार्क्स सेक्शन 2 के उसमें 25 मार्क्स का एप्टीट्यूड, 25 मार्क्स का रीजनिंग, 25 मार्क्स का इंग्लिश और 25 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस आने वाला है, ठीक है। अब जो बच्चा इस रिटन एग्जाम को क्लियर करेगा वो ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए यहां पर बुलाया जाएगा, ठीक है। ये था यहां पर कंप्लीटली सारे रिक्वायरमेंट। अब ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू में कितने बच्चे को बुलाएंगे, जितने भी आपकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी की वैकेंसीज थी उससे 3 गुना मतलब 1:3 के रेशियो में अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स को यहां पर बुलाया जाएगा ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के स्टेज पर। अब जो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, जो मतलब फाइनल आपका मेरिट लिस्ट बनने वाली है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, उसमें रिटन एग्जाम, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू तीनों के वेटेज। किस बेसिस पे, जो रिटन एग्जाम होने वाला है वो 75% वेटेज रखेगा, 10% वेटेज ग्रुप डिस्कशन और 15% वेटेज रहने वाला है आपका इंटरव्यू। मतलब ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू मिलाकर 25% वेटेज, 1/4 वेटेज वहां पे भी है, तो ये भी काफी क्रूशियल पार्ट है। और इस पूरे को मिलाकर, रिटन एग्जाम, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू को मिलाकर बनेगी एक फाइनल मेरिट लिस्ट, जो होगी उन बच्चों की जो फाइनली अब इस जगह पर प्लेस होने वाले हैं, ठीक है। यह था सारा का सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब अप्लाई कैसे करना है, सिंपली डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी www.sale.co.in, इसके अलावा कहीं मत जाओ, डायरेक्टली इस वेबसाइट पे जाओ। यहां पर आपको डायरेक्टली मैनेजमेंट ट्रेनिंग ब्रैकेट में टेक्निकल MTT ये रिक्रूटमेंट का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप उसको पहले पढ़ लीजिए, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर के, इसमें ऑनलाइन फीस भी है ₹200, वो पे करके कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए इंक्लूडिंग पेमेंट। लास्ट डेट रहेगी 31 दिसंबर 2023, ओके। तो दोस्तों ये थी लगभग सारी जरूरी जानकारी, हमने यहां पे कवर कर ली है, कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है, ठीक है। 11 दिसंबर 2023 से फॉर्म भरने स्टार्ट है और 31 दिसंबर 2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन वेट नहीं करना कि अभी तो बहुत दिन है, जैसे आपने ये वीडियो देखा जल्दी जाइए सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे, एप्लीकेशन फॉर्म खोलिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग का। अगर आप देख लीजिए सारा का सारा आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए और फॉर्म का एक कॉपी भी सेव कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके की और फर्दर अपडेट्स और जॉब नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग सब्सक्राइब करें निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म को। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.